हेलो एवरीवन, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सेट्स डेफिनेशन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स नाउ सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं स्पेशल नोटेशन ये फिफ्थ सिक्स सेवंथ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं व्हाट्स नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर भी क्या है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट इट्स वन टू थ्री एंड सोन एंड नोटेड बाय कैपिटल एन चुरल नंबर द सेट ऑफ ऑल वॉल नंबर्स वोल नंबर्स का सेट वोल नंबर्स आप जानते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर वोल नंबर्स दैट नोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो एंड negative of counting numbers are integers, notate by i or j. the set of all rational number, rational number any number which is of the form p upon q, p and q are integers, co-prime integers and q is not equal to 0. then notate by the set of rational number notate by q the set of irrational number not in the form of p by q notate by t the set of all real numbers real number is the set of union of rational and irrational number notate by r the set of all complex number कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजनरी नंबर्स नोटेट बाय सी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स को जेड से नोटेट करेंगे और इस पे प्लस लगा दें तो ये नोटेशन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो ये हम नेचुरल होल, इंटीजर ये नंबर सिस्टम सारा अप टू टेंथ स्टैंडर्ड पढ़ के आए हुए हैं ये इनके नोटेशन हैं जो हम सेट के टॉपिक में अदर टॉपिक्स में यूज करेंगे जहां भी ये लिखा हुआ है कि दिस एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन एन दैट मीन्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स बिलोंग्स इन डब्लू दैट मीन्स एक्स इज ए होल नंबर एक्स बिलोंग्स इन जेड दैट मीन्स एक्स इज एंड इंटीजर एक्स बिलोंग्स इन आर दैट मीन्स एक्स इज रियल नंबर एक्स बिलोंग्स इन जेड प्लस दैट मीन्स एक्स आर पॉजिटिव एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर तो ये आपने ध्यान रखना है कुछ एग्जाम्पल्स है और नेचुरल नंबर ये कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है वॉल नंबर इनफाइनाइट सेट है ओके okay? नाउ कुछ क्वेश्चंस देखिए बेसिक पॉइंट पे विच ऑफ आर सेट्स कौन से इनमें से सेट हैं? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनके बारे में सभी का आंसर सेम है वो क्या होगा सेट होगा जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स का सेट इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स ये सारे जो हमने ऊपर किए नेचुरल नंबर वॉल नंबर ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज ए सेट यस द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज ए सेट द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया इंडिया में हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन तो हम क्या करेंगे हॉकी प्लेयर्स की लिस्ट बनाएंगे कि वो इंडिया के हैं तो क्या ये कलेक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा दैट मीन्स क्या ये स्टेटमेंट सेट है यस इट इज ए सेट द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया गुड हॉकी प्लेयर्स ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि जब भी हम किसी भी वैल्यू की क्वालिटी की बात करते हैं जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं गुड हॉकी प्लेयर्स रिच पर्सन ये सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट ओनेस्ट पर्सन तो ये जब क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं दैट्स नोट ए सेट ये आपका सेट नहीं है नाउ सेकेंड क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड इसको कैसे लिखते हैं लास्ट क्लास में किया था कि लेट सेट का नेम गिवन है तो ठीक है अदरवाइज डायरेक्ट लिखिए कि एक्स दैट एक्स क्या है एक्स पर क्या कंडीशन लग रही है आप देख रहे हैं टू फोर सिक्स एट टू वंजा टू टू जा सिक्स टू फोर या एट टू के मल्टीपल में है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टू एन नाउ फाइनाइट सेट है तो उसकी लिमिटेशन लिखिए फाइनाइट सेट नहीं है तो एन की क्या वैल्यू ले रहे हैं एन की वैल्यू वन एन इज टू एन इज थ्री दैट मीन्स एन इज ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स इन एन सेट बिल्डर फोर सेकेंड रूल को पहचानना है रीजनिंग पार्ट है वन बाई फोर वन बाई एट वन बाय सिक्सटीन वन बाय थर्टी टू वन बाय सिक्सटी फोर इट्स वन बाई टू स्क्वेयर वन बाई टू क्यू वन बाई टू फोर वन बाई टू फाइव वन बाई टू रेस टू पावर सिक्स तो क्या बनेगा ये एक्स सस दैट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रेज टू पावर एन एंड इट्स ए फाइनाइट सेट स एन की लिमिट है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहा से स्टार्ट कर रहे हैं टू से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू टू रेस्ट टू पावर टू थ्री टू रेस्ट टू फोर टू रेस्ट टू रेस्ट टू पावर सिक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स फाइनाइट सेट है एंड एन बिलोंग्स इन कैसे नंबर है टू थ्री फोर फाइव सिक्स नेचुरल नंबर है तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉलोइंगट राइट दट इन रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म जो लिस्टिंग फॉर्म हम बनाते हैं टेबलेन फॉर्म टेबलर फॉर्म है वो हमारी रोस्टर फॉर्म है तो इनमें हम सेट को कैसे लिखते हैं इट्स करली ब्रेकिड एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं अब देखिए एक्स स्केर इक्वल टू नाइन एंड टू एक्स इक्वल टू फोर x की वैल्यू पुट करनी है x कोई भी रियल नंबर है तो इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए इट्स x इक्वल टू टू x इक्वल टू टू निकल रहा है और एक्स स्केयर इक्वल टू नाइन जो हम यहां पर टू पुट कर रहे हैं तो क्या टू का स्क्वायर आपके पास नाइन आ रहा है हम यहां देखेंगे कि टू का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर दैट्स नॉट इक्वल टू नाइन तो क्या इसका कोई ऐसी x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे नो दैट मीन्स इट इज ए नल सेट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या हम इसको फाइव से भी नोटेट करते हैं नेक्स्ट देखिए एक्स इन इंटीजर एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन बाई टू नाइन बाई टू इंटीजर्स लेने हमने माइनस वन बाई टू मीन्स अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव इट्स 4.5 इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं, उनको हम ये लेंगे ओनली इंटीजर्स इट्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इट्स जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट इनमें से कौन से नल सेट नल सेट वॉइड सेट एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो आप यहां देख रहे नल सेट को हम फाइव से नोटेट करते हैं ओनली करली ब्रेकेट से नोट एट करते हैं बट हेयर फाइव इज एन करली ब्रेकेट दैट मीन्स फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट दैट मीन्स इट इज नॉट ए नल सेट इट इज ए सिंगल टन सेट इट्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो सोल्व करें एक्स प्लस थ्री

एट नोट इक्वल टू ट्वेंटी सेवन दट मीन्स नो वैल्यू ऑफ वाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन दीन्स इट इज ए नास्ट एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सेट वेदर एक्वल टू बी और नोट हमने देखना है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है फर्स्ट केस सेट ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है सेट ए हैविंग एलिमेंट्स टू फोर सिक्स एट टेन लिस्टिंग फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। इज पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू अब ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे रफली कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू टेन इट्स टू फोर सिक्स एट इक्वल टू टेन हमने देखा इसके एलिमेंट्स टू फोर सिक्स एट टेन टू फोर सिक्स एट टेन सेम सेम एलिमेंट है दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी आर इन ए दैट मीन्स दीज आर इक्वल सेट्स x एक्स that एक्स लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स इज एन इंटीजर एक्स जो है वो टू से लेस है और x एक इंटीजर है मोडलस ऑफ एक्स लेस दैन टू तो इंटीजर पुट करिए और उसकी वैल्यू टू से लेस हो so, हम यहां जीरो पुट करेंगे जीरो मोडलस जीरोन टू माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन मोडलस लेस टू प्लस वन पुट करेंगे वन मोडलस लेस टू टू पुट करेंगे टू के इक्वल हो जाएगा इससे ग्रेटर वैल्यू लेंगे नॉट लेस देन टू दैट मीन इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया तो so, इससे आपके एलिमेंट आए माइनस वन जीरो वन सेट बी के एलिमेंट्स हैं माइनस वन वन क्या दोनों इक्वल है नो दैट मीन्स दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल थर्ड देखिए ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सी ए बी ए एलिमेंट्स ऑफ सेट बी यहां हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स चेंज द प्लेस ऑफ एलिमेंट्स एंड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द सेट तो इसको हम सही वे से लिखें तो इसके एलिमेंट्स सी ए रिपीट है सिंगल टाइम लिखेंगे बी इसके सभी एलिमेंट सेट ए में हैं देट मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल और इसी के बेस पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी